नेक्स्ट uh, क्वेश्चन 2019 का सवाल है क्वेश्चन से इज टू मेटल्स फेयर वन ऑफ रेडियस आर अनदर ऑफ़ रेडियस टू आर रेस्पेक्टिवली हैव द सेम सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा नाव दे आर ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट एंड सेपरेटेड सवाल ये वॉट विल बी द न्यू सर्फेस चार्ज डेंसिटीज़ ऑन दैम हमारे चार ऑप्शन दे रखे हैं सिगमा वन इज इक्वल टू फाइव बाई सिक्स सिगमा सिगमा टू इज इक्वल टू फाइव बाई टू सिगमा एंड सोन एंड सोफोर्थ हमें ये बताना है कि इन चारों में से आपकी फाइनल चार्ज डेंसिटी क्या होगी नाउ अगेन कॉन्सेप्चुअल सवाल है बहुत मुश्किल नहीं है पर थोड़ा सा काम यहाँ पर करना पड़ेगा लंबा नहीं है सवाल मुश्किल कतई नहीं है राइट सो right? so, हमारे दो, दो स्फेयर हैं एक स्फेयर ये जिसका रेडियस आर दूसरा स्फेयर ये उसका रेडियस टू आर इसकी चार्ज डेंसिटी सिग्मा इसकी भी चार्ज डेंसिटी सिगमा ना अगर इन दोनों का हम चार्ज देखेंगे तो Q1 जो चार्ज होएगा अपने तो को पता है चार्ज डेंसिटी जो सिग्मा होती है दैट इज़ इक्वल टू तो चार्ज डिवाइड बाय एरिया और एरिया स्क्वायर का हम लिख सकते हैं फोर पाई आर स्क्वायर सरफेस एरिया किसी भी स्क्वेयर का होता है फोर पाई आर स्क्वायर तो हम इसकी डेंसिटी ऐसे लिख सकते हैं सो बेस्ड ऑन दिस हम कह सकते हैं कि इसके ऊपर जो नेट चार्ज होएगा वो होएगा सिग्मा मल्टीप्लाइड बाय इसका एरिया सो दैट विल बी इक्वल टू फोर पाई आर स्क्वायर इसका सिग्मा विल बी इक्वल टू ये सिग्मा uh, चार्ज सॉरी इसका चार्ज क्यू टू विल बी इक्वल टू सिग्मा मल्टीप्लाइड बाई इसका स्क्वायर uh, uh, इसका एरिया फोर पाए टू आर का स्क्वायर सो ये हो जाएगा सिग्मा मल्टीप्लाइड बाई एट ये हो जाएगा फोर सिक्सटीन पाए आर स्क्वायर ये इसका चार्ज हो गया नाउ अब हमने क्या किया कि इन दोनों को कनेक्ट कर दिया सो so, इन दोनों को जब हमने कनेक्ट किया तो कुछ चार्ज एक एक से फ्लो करके दूसरे पे जाएगा यहाँ पे लेकिन दोनों का जो चार्ज है उसका सम सेम रहेगा सो so, अगर हम इनिशियल चार्ज देखें तो आपका जो क्यू इनिशियल चार्ज है तो वो क्या है फोर पाई आर स्क्वायर और फोर सिक्सटीन पाई आर स्क्वायर सो आपका टोटल चार्ज है ट्वेंटी पाई आर स्क्वायर सिग्माई आपका इनिशियल चार्ज है अब जब इन uh, दो चीज़ों को हमने कनेक्ट किया है तो दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा और दोनों का चार्ज का सम सेम रहेगा लेकिन दोनों का चार्ज सेम नहीं होएगा दोनों का पोटेंशियल सेम होएगा वॉट दैट मीन्स इज कि अगर हम इसका पोटेंशियल लिखें तो वी वन इनिशियल पोटेंशियल इसका जो वी वन था वो होएगा के uh, इसका टोटल चार्ज के क्यू बाय आर वी टू जो है वो के क्यू बाय टू आर ही इनका पोटेंशियल है अब जब हमने कनेक्ट किया है तो चार्ज फ्लो करेगा और उसके बाद दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा सो so इसका जो पोटेंशियल होएगा फाइनल पोटेंशियल वो होगा वी वन डैश विल बी इक्वल टू के क्यू डैश डिवाइडेड बाय आर दैट विल बी सेम है जिसका जो पोटेंशियल आएगा के ये क्यू वन डैश क्यू टू डैश डिवाइडेड बाई टू आर इन दोनों की वैल्यू के बेसिस पे हम ये कह सकते हैं आर विल गेट कैंसल सो हम कह सकते हैं कि क्यू टू डैश विल बी इक्वल टू ट्वाइस क्यू वन डैश और इन दोनों का सम हमारा जो ओरिजिनल सम है उसी के बराबर रहेगा सो so, इसके बेसिस पे हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं सो so, uh, इसको हम ये कह सकते हैं कि जो फाइनल चार्जेस हुए हैं इसके uh, यहाँ कर लेते हैं फाइनल चार्जेस जो आए आपके क्यू वन डैश प्लस क्यू टू डैश विल बी इक्वल टू अगर हम इसके इक्वेट कर दें सो दैट विल बी इक्वल टू टू पाई ट्वेंटी पाए आर स्क्वायर सिग्मा और यहाँ पे अगर हम ये रिलेशन यूज़ करें तो इसको हम यहाँ लिख सकते हैं

फोर पाई आर स्क्वायर सो ये कैंसल होके आ जाएगा फाइव पाई आर स्क्वायर पाए आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा फाइव बाय थ्री सिगमा सो ये आपके सिगमा वन की वैल्यू आ गई सिमिलरली अगर हम सिगमा टू की वैल्यू निकालने लगेंगे सो सिगमा टू जो आएगा दैट विल बी टोटल चार्ज क्यू टू सो इसका क्यू वन की जो वैल्यू है इसका ट्वाइस यानी कि ट्वेंटी बाय थ्री पाई आर स्क्वायर सिगमा मल्टीप्लाइड बाय टू डिवाइडेड बाय फोर पाई टू आर का स्क्वायर टू आर का स्क्वायर सो बेस्ड ऑन दिस हम कह सकते हैं ये आपका नीचे बनेगा 16 और तो इसमें से फोर ये फोर कैंसिल हो जाएगा तो फाइव बाई uh, और टू ये कैंसिल हो जाएगा सो so ये बचा फाइव बाई सिक्स सिगमा सो बेस्ड ऑन दिस हम कह सकते हैं कि अपना ऑप्शन नंबर डी फाइव फाइव बाय थ्री सिग्मा एंड फाइव बाई सिक्स सिगमा वुड बी द राइट आंसर